देखिए आज का झारखंड न्यूज यानी झारखंड बोर्ड के सभी 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को मिलेगी मुफ्त विषयवार पुस्तकें, यानी अब क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 एवं क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार के द्वारा मुफ्त किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए पूरा न्यूज को बढ़िया से सुनते हैं और समझते हैं। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, झारखंड के प्लस टू स्कूलों के छात्र छात्राओं को 11वीं और 12वीं की किताबें अब मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सभी छात्र छात्राओं को उनके विषय के आधार पर यानी विषयवार किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सभी जिलों से विषयवार जरूरी किताबों की संख्या मांगी गई है, ताकि उसी के अनुसार किताबों की छपाई कराकर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जा सके। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है, यानी सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि कहाँ कितना पुस्तक का जरूरत है छात्र छात्राओं के अनुसार। आगे कहता है 30 किताबें हैं साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स में क्लास 11 में, जबकि 12वीं में 33 किताबें हैं। आपने क्या समझा? क्लास 11 में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स से 30 किताबें हैं टोटल, और क्लास 12वीं में टोटल 33 किताबें हैं, 33 किताबें हैं। आपको इतना नहीं पढ़ना है, आप डरिएगा नहीं, आपको केवल 5 पढ़ना है, ठीक है? क्लास 11वीं में टोटल 30 किताबें और 12वीं में टोटल 33 यानी 33 किताबें हैं, परंतु आपको केवल कोई 5 किताब पढ़ना है, कोई 5 विषय ही पढ़ना है। आगे देखिए क्या कहता है, सभी जिलों के स्कूलों से मांगा जा रहा है आंकड़ा, सभी जिलों के स्कूलों से पूरा आंकड़ा मांगा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद निकलेगा टेंडर, छपेगी किताबें। जैसे ही पूरा रिपोर्ट आ जाएगा किताबों का सभी जिलों के स्कूलों के अनुसार, वैसे ही टेंडर निकलेगा और किताब छापना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए नोटिस क्या कहता है आज का, 11वीं में विज्ञान, आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में टोटल 30 किताबें निर्धारित है, जबकि 12वीं के लिए 33 किताबें तय है निर्धारित है। JCERT ने जिलों को सभी किताबों की लिस्ट सौंपी है, साथ ही रिपोर्ट मांगी है कि उनके जिले में किस किताब की कितनी आवश्यकता है। एक छात्र को एक किताब के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर जिलों को भेजने का निर्देश दिया गया है। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स संकाय में छात्र छात्राएं अलग अलग विषय रखते हैं। जिला स्कूलों से 11वीं में नामांकित होने वाले और 12वीं में जाने वाले छात्र छात्राओं की विषयवार सूची देगा, जिसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सभी जिलों की रिपोर्ट के आधार पर पाठ्य पुस्तक छपाई का टेंडर निकालेगा, ठीक है? आगे देखिए क्या कहता है, स्कूलवार तैयार होगा किताबों का सेट, स्कूल के अनुसार किताबों का सेट तैयार होगा, यानी राज्य के 590 प्लस टू स्कूलों समेत 150 नव उत्क्रमित प्लस टू स्कूलों में, यानी नए बने 125 प्लस टू स्कूलों में भी नए शैक्षणिक सत्र से 11वीं की पढ़ाई शुरू होनी है। छात्र छात्राओं के विषयों के आधार पर किताबें छपाई जाएगी। टेंडर में ही स्कूलवार किताबों का सेट तैयार होगा। अगर कोई छात्र साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स का है तो जो जो विषय रखेगा उसको उसी के आधार पर पुस्तक मिलेगा, ठीक है? आगे देखिए नोटिस क्या कहता है,
जुलाई से शुरू होने वाला है 2022-23 का शैक्षणिक सत्र। झारखंड में जुलाई से शुरू होगा 2022-23 का क्लास 10 इंटर का शैक्षणिक सत्र। झारखंड में 2022-23 शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू होने वाला है। पहली बार पहली से बारहवीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें दी जा रही है। पूर्व में नौवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को ही किताबों की राशि दी जाती थी, लेकिन राज्य सरकारों ने छात्र छात्राओं के साथ साथ छात्राओं को भी किताबें छपवा कर देने का निर्णय लिया। ठीक है, राज्य सरकारों ने छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी किताबें छपवा कर देने का निर्णय लिया है। पहली से आठवीं की किताबें बांटी जा रही है। अभी स्कूलों में पहली से आठवीं की बांटी जा रही है किताबें। झारखंड में पहली से आठवीं के बच्चों की पाठ्य पुस्तकें बांटी जा रही है। गर्मी की छुट्टी के पहले किताबें स्कूलों में पहुंचनी शुरू हो गई थी। गर्मी के छुट्टी के बाद स्कूल खुलने पर बच्चों को स्कूलों के माध्यम से किताबें दी जा रही है। ये किताबें सातवीं तक के छात्र छात्राओं को दी जा रही है। इसके अलावा आठवीं, नौवीं, दसवीं के छात्र छात्राओं को भी किताबें स्कूलों में दी जाएगी। स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी है। रिजल्ट के आधार पर पास करने वाले छात्र छात्राओं को किताबें दी जाएगी। ठीक है, जो पास करेगा उसी को पुस्तक मिलेगा, जो जिस क्लास का होगा उसी क्लास का उसको पुस्तक मिलेगा। ठीक है, पहले बहुत सारे स्कूलों में केवल गर्ल्स को ही किताब मिलता था, लेकिन अब बॉयस को भी किताब मिलेगा। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस तरह का सब्जेक्ट रखेगा उसको उसी तरह का किताब मिलेगा। ठीक है, यानी आप लोग ध्यान से पढ़ें और समझें कि अब क्लास एक से लेकर क्लास बारहवीं तक के सभी छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार के द्वारा मुफ्त किताब मिलेगा। मुफ्त मतलब निःशुल्क किताब मिलेगा, कोई पैसा नहीं देना है स्कूल में। ठीक है, पहले स्कूलों में क्लास एक से लेकर एट तक ही किताब मुफ्त दिया जाता था, लेकिन अब क्लास एक से लेकर बारह तक के सभी छात्र छात्राओं को, चाहे वह क्लास वन से लेकर एट तक का हो, चाहे नाइन का हो, चाहे टेन का हो, चाहे ग्यारह या बारह का हो, सभी छात्र छात्राओं को झारखंड सरकार के द्वारा मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। हमारा यह रिपोर्ट या न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।